आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर के सदर सांसद और अभिनेता रवि किशन के सार्थक प्रयासों से कोरोना वैक्सीन हुआ उपलब्ध, वैक्सीनेशन का कार्य शुरू। ब्रजेश सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, 5 गिरफ्तार, 2 फरार। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित किराना सब्जी मंडी में लगी आग, 5 दुकानों की सब्जियां हुई खाक। संत कबीर नगर जिले में बस ट्रक की टक्कर में बाल बाल बचे यात्री। बलिया में पुलिस व समर्थकों के बीच हुए नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। संत कबीर नगर जिले में मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रामा सेंटर का हुआ उद्घाटन। अब सत्य घटना विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में 2 दिन पहले कोरोना की वैक्सीन खत्म हो जाने के बाद से जिला प्रशासन के साथ साथ सदर सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी अपनी नजर बनाए रखी थी। उनके सार्थक प्रयास की वजह से 1 दिन के अंदर ही वैक्सीनेशन का कार्य फिर से शुरू हो गया। इसी क्रम में सांसद रवि किशन जनपद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय पर पहुंचकर निरीक्षण कर जायजा लिया और वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से ये अपील भी की कि कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करते हुए वे अपना अपना वैक्सीनेशन कराएं और अपनी बारी का इंतजार करें ताकि किसी को कोई भी असुविधा न हो। मीडिया से रूबरू होते हुए सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि सभी लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। इस वक्त पूरे जिले में 2,00,000 टीकाकरण हो चुके हैं और 50,000 जो एक पैनिक हुआ था, सब एक अफवाह फैली थी कि वैक्सीनेशन नहीं, इंजेक्शन नहीं, तो आप पूरे चैनल के माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूँ 50,000 डोज हमारे पास जिले में और आ चुके हैं। इंजेक्शन की कमी नहीं, जो मैंने कल भी कहा था कि ये स्वदेशी है, हमारे देश में बन रहे हैं, सब जगह जा रहा है स्टॉक। आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अब लोगों का ज्यादा आ रहा है, तो अभी तक हम लोगों ने 2,00,000 टीकाकरण करवा दिया है। 50,000 का स्टॉक इंजेक्शन का हमारे पास, वैक्सीनेशन का और आ चुका है। गोरखपुर जनपद के गुलरिहा थाना क्षेत्र में बीते 2 अप्रैल को जमीनी विवाद को लेकर हुए ब्रजेश सिंह हत्याकांड की गुत्थी को जनपद पुलिस ने सुलझाते हुए इस वारदात में लिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि अभी भी 2 शातिर अभियुक्त पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के द्वारा 25,000 रुपए का नकद इनाम भी रखा गया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान नारायणपुर गुलरिहा के रहने वाले रामसमुज, पिपराइज के बहादुर चौहान, पनियरा महाराजगंज के जितेंद्र सिंह एवं दिवाकर सिंह और गोरखनाथ के रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस को इन अभियुक्तों के पास से 2 देशी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि फरार दोनों अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए टीम अमृतसर के लिए निकल चुकी है। घटना में जो संबंधित 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें राम समूज पुत्र हरिवंश, ये नारायणपुर के रहने वाले हैं, जिनसे जमीनी विवाद चल रहा था, एक बहादुर चौहान पुत्र सरजू चौहान, ये पिपराइज का रहने वाला है, एक जितेंद्र सिंह पुत्र जोकन सिंह, ये ताना पनियारा महाराजगंज के रहने वाले हैं। इसके अलावा इस घटना में सहयोग के रूप में कृष्ण कुमार एवं दिवाकर सिंह उर्फ गोलू, ये दोनों अरेस्ट हुए हैं। टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो 3 लोग गोली चलाने में थे, उनमें से जितेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया है। उनके साथी सतनाम एवं राजवीर, जो पंजाब के रहने वाले, इनके लिए दबिश है, तो टीम पंजाब गई हुई है। अभी तक इनके संबंध में लगातार दबिशें दी जा रही है। इनके ऊपर 25,000 के इनाम मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी ये लोग भी गिरफ्तार होंगे। महानगर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित धर्मशाला सब्जी मंडी में अचानक अज्ञात कारण से आग लग गई। आग लगभग 9 बजे लगी। इस दौरान सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में 5 दुकानों की सब्जियां भी जलकर खाक हो गई। आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा का कहना है कि 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। नुकसान का अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये लगभग देखने में 5 दुकानें जल रही है और नुकसान का तो अभी आकलन नहीं किया जा सकता है कि इन लोग का। किस तरीके की दुकानें थी? ये किराना की दुकानें हैं, किराना मंडी है,
कोई हताहत हुआ है? नहीं, कोई हताहत नहीं। गोरखपुर जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए पूरे जनपद में मास्क चेकिंग के अभियान बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में शाहपुर थाना क्षेत्र के जिला कारागार चौकी प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में वहां से गुजर रहे लोगों की चेकिंग कर मास्क लगाने की सलाह दिए जाने के साथ साथ जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे ऐसे आधा दर्जन से अधिक लोगों का चालान भी किया गया। यूपी के संत कबीरनगर जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के NH-28 स्थित भुजानी चौराहे पर दिल्ली से बिहार जा रहे डबल डेकर बस ने ट्रक को पीछे से एक ठोकर मार दी। बाल बाल बचे यात्री और बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शादी विवाह का सीजन शुरू होने को है, साथ ही गेहूं फसल की मड़ाई का कार्य भी चल रहा है, जिसको लेकर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासी अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। ऐसे ही दिल्ली से बिहार जा रही सवारियों से खचाखच भरी बस के लापरवाह ड्राइवर ने NH-28 के भुजानी चौराहे पर ट्रक के पीछे से ठोकर मार दी, जहां बस में सवार यात्रियों को हल्की चोटें आईं। वहीं बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, तभी सदर कोतवाली पुलिस सूचना पर पहुंची और यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया। ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, आगे जा रहे बस ट्रक था उसमें लग गया। क्या कोई हताहत भी हुआ है? और ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भाग गया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए। देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा LED पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्ट विनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। पूरे प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के सिर पर चुनाव की गर्मी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसा ही एक वाकया बलिया जनपद में देखा गया, जहां बलिया पुलिस के साथ गर्मा गर्म नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ। मामला जनपद के गड़वार थाना क्षेत्र के रसड़ स्थित खिजुरी मार्ग का है। गड़वार थाने के SHO के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ है। समर्थकों का गुस्सा न जाने किस बात पर सातवें आसमान पर था और इंस्पेक्टर चुपचाप उनके आरोपों को सुनता रहा। यह भी पता करना मुश्किल था कि किस बात पर बवाल हो रहा है। हालांकि इंस्पेक्टर के हमराहियों ने शालीनता का परिचय दिया और थोड़ी देर बाद चुपचाप वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। आप वही कर रहे हैं, घूमने के लिए मना कर रहा है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रामा सेंटर अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हुआ है। पूर्व जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा ने फीता काटकर स्पंदन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का आज उद्घाटन किया। आपको बता दें, संत कबीरनगर जिले के जिला मुख्यालय में आज स्पंदन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अस्पताल के खुल जाने के बाद जिले के लोगों को गोरखपुर और लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रामा सेंटर की उपलब्ध सुविधाओं से जिले के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अस्पताल का उद्घाटन कर रहे डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा की माने तो जिले का ये पहला अस्पताल है जहां मल्टी स्पेशलिटी और ट्रामा सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल में ICU ऑपरेशन तक की सुविधाएं दी गई है। अस्पताल संचालक जय सिंह की माने तो इस अस्पताल को और आगे ले जाने के लिए उनकी योजना है। इस हॉस्पिटल खोलने का पर्पज था कि मल्टी स्पेशलिटी सुविधा शहर में दिया जाए, कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, ये सब सुविधाएं, साथ में डायलिसिस का भी हमारा प्लान है।
अस्पताल में सारी चीज़ों की व्यवस्था पहली बार है, क्योंकि हर जगह गए हैं तो कहीं ऑर्थोपेडिक नहीं है, तो कहीं सर्जरी नहीं है, कहीं सर्जरी है तो गायनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे यहाँ सब कुछ है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 8 बेड का ICU है और न्यूनेटल ICU तो दोनों है। तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद यही हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ ICU है, तो यह लोगों को यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। होम्योपैथ चिकित्सा के जनक डॉक्टर हनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर महानगर के भगत चौराहा स्थित नर्मदा होम्यो क्लिनिक पर चिकित्सा शिविर और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर हनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके उपरांत वहां मौजूद मरीजों में हैंड सैनिटाइजर, मास्क के साथ साथ कोरोना की होम्योपैथी दवा भी वितरित की गई। इस दौरान इस कार्यक्रम में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी और डॉक्टर वी के उपाध्याय के साथ अन्य अतिथि मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वी के उपाध्याय ने बताया कि होम्योपैथ के जनक डॉक्टर हनीमैन की मेहनत का परिणाम है जो होम्योपैथी चिकित्सा ने पूरे विश्व में मुकाम हासिल किया है। हमारी पैथी के जनक है, उसके उपलक्ष्य में ठीक है एक गोष्ठी का आयोजन और मुफ्त में कोविड की दवाओं का वितरण का आयोजन किया गया और ये बताया जाएगा कि कोरोना से बचने के लिए सरल उपाय क्या हैं और होम्योपैथिक दवाओं का कितना असर है। इस कोरोना में आप होम्योपैथिक दवा कितनी कारगर साबित हो रही है? बहुत ज़्यादा कारगर हो रही है, लोगों को जितने लोगों को दवा वितरण दिया जा रहा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। गोरखपुर जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या और रात्रि कर्फ्यू को देखते हुए हर उस इलाकों पर जिला प्रशासन की नज़र है जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। उसी के मद्देनजर महानगर के नवीन सब्जी मंडी सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने व्यापारियों संग बैठक कर उन्हें कड़े हिदायत दिए कि सभी व्यापारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, नहीं तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में फुटकर सब्जी मंडी को लगने नहीं दिया जाएगा ताकि भीड़ में कमी आए। देखिए गोरखपुर में रात्रि कर्फ्यू जो है 11 तारीख से 18 तारीख तक लग रहा है, जिसमें रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें बंद रहेंगी। तो उसी क्रम में मंडी समिति के व्यापारियों के साथ आज बैठक की गई और इसमें मंडी समिति में फुटकर मंडी में अगर कोई विक्रय हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से रोका गया है और कोई फुटकर विक्रय मंडी में नहीं होगा। और आरती से बेसिकली ये बात की गई कि किस तरह उनकी टाइमिंग्स को एडजस्ट किया जाए जिससे कि कम से कम भीड़ लगे और यहाँ पूरे शहर को सब्जी बांटी जा सके। गोरखपुर जनपद के खजनी क्षेत्र बरपार बारगाह में पंचायत चुनाव 2021 में वोटर लिस्ट से नाम कट जाने से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खजनी तहसील पहुंचे और प्रदर्शन कर विरोध जताया। गोरखपुर जनपद में आए दिन वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला सामने आ रहा है, जनता प्रदर्शन कर विरोध करती नजर आ रही है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को अपनी समस्या बताई, खजनी तहसीलदार समस्या को सुन जांच कर सुधार करने का आश्वासन दिया। मतदाता सूची से 287 लोगों का नाम कट जाने से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के विजय यादव के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों लोग खजनी तहसील में उमड़ पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक हमारे गांव में सभी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, बीते दिन जब सूची जारी हुआ तो सैकड़ों लोगों का नाम गायब मिला। भीड़ देख खजनी तहसीलदार प्रद्युम्न सिंह पहुंचे और जनता की बात सुनते हुए जांच कर सूची संशोधन करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण तहसील परिसर से बाहर गए। ग्रामीणों ने बताया, हमारे परिवार के नाम लिस्ट से काट दिया गया है, हम लोग तहसील पर अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। 287 नाम जो है कट गया है, जो लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में है जीवित है। लिस्ट मिली है, उस लिस्ट में लोकपाल साहब मिलकर और BLO साहब मिलकर अधिकारी लोगों ने ये गड़बड़ी की है। हम चाहते उस पर निष्पक्ष जांच हो और हमारा अपमार्जन जो है लिस्ट को हटा के हमारा जो पहले वाली 2 तारीख की लिस्ट है वो जारी करें और हमारे सब परिवार हमारा गांव पूरा खुशी पूर्वक मतदान अपना करे। उनका कहना था कि जो है मतदाता सूची में नाम कुछ लोगों का कट गया, तो उसी सिलसिले में लोग आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, ज्ञापन की टीम बनाई जा रही है, उस गाँव में कल जाँच होगी बरपार बरगाह में और जाँच के बाद जो इस जो सही तक पाया जाएगा उसके हिसाब से। गोरखपुर के खोराबार विकास खंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। लगभग सभी गांव में प्रत्याशी अपनी जीत और विपक्षियों की हार के दावे में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां प्रत्याशी अपने गांव की समस्या को प्राथमिकता पर लेते हुए मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। हमारी टीम ने एक ऐसे ही गांव की ओर रुख किया, खोराबार विकास खंड क्षेत्र के जंगल चंवरी रामगढ़ में चुनावी घमासान देखने को मिला। कुछ पुराने प्रत्याशी जहां गांव में एक बार फिर से किस्मत आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं एक BSC पास गांव की बहू ने भी ग्राम प्रधानी के चुनाव में ताल ठोक दिया है।
खास बात यह है कि उसके समर्थकों में न सिर्फ युवा है बल्कि गांव की अनपढ़ गरीब और वृद्ध महिलाएं भी शामिल है। हमने कुछ अधेड़ महिलाओं से भी बात की तो उन्होंने बताया कि विकास कार्य के नाम पर उन्हें सिर्फ अब तक ठगा गया है। हम मन के तब से होश भल तब से इस सेवा का चढ़ा हूँ, नाली उली नहीं बनता टेन घर कहा नहीं बल्कि इसको बनवाओ प्रधान प्रधान से कहल बत प्रधान सुनते ना हमें प्रधान से कल प्रधान सुनते ना हमें सेक्रेटरी भी नहीं कुछ सुनता ना ना घर के अगवास दिले हमें कुछ नहीं दिले हमें। इंडिया मार्ग का हैंडपंप तो दिखा लेकिन उसके इर्द गिर्द गंदा पानी भी सालों से वहीं जमा है। झुग्गी झोपड़ियां आज भी विकास की कहानी कह रहे हैं। हमने एक युवक से भी बात की तो उसने भी सीधे तौर पर विकास करने वाले को ही अपना समर्थन देने को कहा है। किसको दोगे, किस आधार पे? मतलब जो विकास के काम करेगा या हमें आश्वस्त करेगा कि हम ये काम करेंगे जो काम नहीं हुआ है गाँव में इससे पहले तो वोट हम उसको देंगे। जितना हमारे हो सकेगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम इस सत्ता पे आए हैं। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? सबसे पहले हमें स्कूल देखना है और बच्चों का खेल का मैदान देखना है, उसके बाद गांव की नाली साफ करनी, क्योंकि नाली इतनी गंदी नाली है, नाली साफ कभी नहीं होती है, उसी से गाँव में बीमारी फैलती है, बच्चों की बीमारी फैलती है, बहुत लोग वृद्धा लोग हैं उनको ना ही पेंशन मिलती है ना ही किसी को आवास मिला है। गाँव में प्रधान लोग दिखा देते हैं गाँव में सबको आवास मिल गया लेकिन किसी को आवास नहीं मिला है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताजी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज गांव के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।